Delhi's Rouse Avenue court has granted bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on a bail bond of ₹15,000 and a surety of ₹1 lakh in connection with the Delhi excise policy case. CM Kejriwal had appeared before the court following summons issued to him by the court on the basis of two ED complaints over the case. The ED had filed two complaints before the ministerial court seeking Kejriwal's prosecution for skipping multiple summons issued to him in the case, but now he has been granted bail. Meanwhile, political reactions are trickling in. Let's take a look. भी पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है. अब लोग सोच रहे हैं कि बेल मिली किस में. इनको बेल मिली है जो इन्होंने अभी तक ईडी के सम्मन्स की अवहेलना की और ईडी ने कंप्लेंट की. उस कंप्लेंट में जब ये कोर्ट गए तो उसके लिए इनको बेल मिली है कि चलो पीछे जो गलतियां किया है उसमें आपको अभी 15,000 के मुचलके पे 1 लाख की सिक्योरिटी पे अब ये जमानत पे इसमें हैं. लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए. इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी से जल्दी कानून का पालन करना चाहिए और यही संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के लिए. आज अरविंद केजरीवाल ने न्यायालय में जाकर जमानत ली और उनके जमानत लेने से ये स्पष्ट हो गया कि जिन सम्मन्स को वो गैर कानूनी बताते थे आज ये स्पष्ट हो गया कि वो सम्मन्स संवैधानिक थे, कानूनी रूप से वैध थे. बार बार जांच एजेंसी से भागते अरविंद केजरीवाल, आखिर तुम्हें आज कोर्ट की शरण में आके जमानत लेनी पड़ी. और अब इससे ये भी स्थापित हो गया कि जांच एजेंसी के अगले सम्मन पर आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और शराब घोटाले में जितना भी खेल हुआ है उसका भी पर्दाफाश होगा. सत्यमेव जयते. मैं कहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत लेनी पड़ी 174 आईपीसी की जो याचिका ईडी ने फाइल करी थी उसमें. ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी. ये नौबत इसलिए आई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के दिए हुए 8 समन्स की अवहेलना करी. जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन के का निरादर करते हैं तो वो कानून का उल्लंघन करते हैं. Let's in fact also listen in to reactions of lawyers on this big decision. हम तो शुरू से कह रहे हैं ये बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है, बेबुनियाद केस है. 2 साल से हजारों जगह रेड पड़ रही है, हजारों लोगों की पूछताछ हुई है, लेकिन एक भी नए पैसे का कुछ नहीं मिला, कुछ भी सबूत नहीं मिला, कोई भी एविडेंस नहीं मिली. आज देश के सामने बड़ा मुद्दा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई को एक तरीके से अपने बाहुबली की तरह यूज़ किया है कि आप रेड पड़वाइए और फिर चंदा लीजिए और उन लोगों को छोड़ दीजिए, उनका केस रफा दफा कर दीजिए. देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से ये कहा है कि आप मुझे बताइए मुझे क्यों समन किया जा रहा है. ईडी ने कभी जवाब नहीं दिया ढंग से और हमारी लीगल टीम लगातार ईडी को इसका जवाब देती आ रही है कि बताइए मुख्यमंत्री जी को क्यों समन किया जा रहा है. उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया है. तो ईडी और सीबीआई का मिसयूज़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी और देश के सामने ये क्लियर है. हमारी रिवीजन में हमने रिक्वेस्ट की थी कि नीचे की प्रोसीडिंग स्टे की जाए. कल 6 बजे जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं आपकी स्टे एप्लीकेशन को डिसमिस करता हूं. आज चूंकि मैटर लगा हुआ था तो और डायरेक्शन थी केजरीवाल जी को अपियर होने के लिए. हालांकि सेशन जज ने कहा था कि अगर आप चाहो तो एग्जम्पशन एप्लीकेशन मूव कर सकते हो अपियरेंस के लिए, तो वो जज डिसाइड करेगी. पर हमने आज मिस्टर केजरीवाल अपियर हुए हैं 15, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो 15,000 के 2 अलग अलग केसों में बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दिए जो एक्सेप्ट कर लिए हैं. हमने एक एप्लीकेशन लगाई है 207 और 91 सीआरपीसी में कि हमारे को डेफिशिएंट कॉपीज सप्लाई की जाएं जो इन्होंने रिलाई की हुई हैं. और ईडी ने एक एप्लीकेशन लगाई है 294 सीआरपीसी में कि अक्यूज को कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन और डिनाइल करे. इसके लिए दोनों के एप्लीकेशन में रिप्लाई और बहस के लिए 1 अप्रैल की डेट जज साहब ने दी है 10:15 बजे. अगर उनकी एग्जम्पशन हुई या वीडियो के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ हुई तो ठीक है, नहीं तो कानून में तो हर डेट पे आना ही पड़ता है.
देखिए 174 की कंप्लेंट है, ये इसमें एक महीने की सजा है, 500 रुपए जुर्माना है, बेलेबल ऑफेंस है। और दूसरी बात, केजरीवाल जी ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि ये गैर वाजिब केस था, इसलिए यहाँ हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब हमारी आर्गुमेंट 1 तारीख को होगी, 1 अप्रैल को, आज जमानत एक्सेप्ट कर ली है और वो चले गए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.